Assalamu alaikum and welcome to Baking with SK. Today I am going to share a recipe of chocolate chip cookie. और ये जो रेसिपी है ये मैंने ओवर द पीरियड डेवलप की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसमें मेरा टच है वो ये है कि मैं इसको ऑयल के साथ बनाऊंगी और दूसरा हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी यूज करेंगे जो कि इसको क्रिस्पी ज़्यादा कर देगा, जो कि बाहर से क्रिस्पी करेगा और इन साइड ही चिली होगी. तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसके सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने 2 कप जो है ये देखिए 2 कप्स मैंने इसमें ऑल पर्पज फ्लावर लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है. और अब मैं इसको इस तरह ठीक, अब इसके अंदर आप सॉल्ट आपकी मर्जी है, अगर आपने डालना है तो इसमें आप 1/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट इंक्लूड कर सकते हैं. ये आपकी ड्राई इंग्रेडिएंट है. अच्छा, अब हम सेटिंग जो दूसरा बाउल में लेंगे उसमें हम लिक्विड इंग्रेडिएंट डालेंगे. इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला. अब 1 कप ऑयल के अंदर आप 1/2 कप जो है वो आप ब्राउन शुगर डालें, 1 कप के करीब आप वाइट ग्रैनुलेटेड शुगर आप ऐड कर दें और आप इसके साथ आप 1 एग इंक्लूड कर दें. अब हम इसको मिक्स करेंगे, जो एग है वो 1/1 आप ऐड करेंगे. बटर के साथ थोड़ा सा डिफरेंट होता था, मैंने इसको ऑयल के साथ भी डेवलप करके देखा, बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट आता है. अगर आप इसको बटर के साथ करेंगे तो बटर आपने रूम टेम्परेचर लिया. सेकंड एग मैंने यूज किया इसमें. आप चाहें तो आप मशीन भी यूज कर सकते हैं, बट आई एम कंफर्टेबल विद स्पैचुला सो आई एम यूजिंग दिस वन. ये अब हमने अच्छी तरह इसको, अब ये देखिए आप, मैं इसको हैंड से ही कर रही हूँ, ठीक है, स्पैचुला की मदद से. आपकी जो मशीन है आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत बहुत लाइट स्पीड के साथ. अगर आप बटर के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ड्राई होगा, बट हम क्योंकि ऑयल के साथ कर रहे हैं लुक तो स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा लिक्विड ही है और इसकी ये इस तरह से पूरी जो है लुक आएगी. क्योंकि हमने ऑयल यूज किया है, तो अगर आप बटर करेंगे तो ये बटर में थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई होगा और अच्छा होगा. आप मतलब उसे घबराइएगा नहीं कि भाई कि ये तो बहुत ड्राई है, ऐसे नहीं है. अब हम आप इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे. तो अब हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे, मशीन से कर लें आप अगर आप कंफर्टेबल हैं, बट समटाइम्स बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं एक्चुअली मशीन इसलिए भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रही, मतलब फोकस कर रही हूँ जिनके पास अगर मशीन नहीं है तो वो किस तरह मतलब करेंगे. तो इसलिए मैंने स्पैचुला की मदद से ही बताना ज़्यादा सही और मुनासिब समझा. आप देख सकते हैं और ये याद रखिएगा कि लिक्विड से ये ऑलवेज, क्योंकि हमने इसमें ऑयल यूज किया ना, तो इसमें थोड़ा सा ये इस शेप में होगा कि थोड़ा सा लगेगा कि ये लिक्विड ही वो है. नहीं जी, ये अब हमारा ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया. अब इसमें मैं अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जो कि पहले ही मुझे डालना चाहिए था, बट मैंने कहा कि आज मैं क्योंकि आपका शेयर करी तो मैं आपके साथ ही बताऊँ. मैं इसमें हमने टू टीस्पून के करीब या 1 टेबलस्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लावर डाला, ठीक है. मैंने इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला.
अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अगर किसी को रेसिपी ना समझ में आए या कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आए इसको बनाने में, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे एसके बेक्स के उस पर रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैंने अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, तो जो इंटरेस्टेड है वो हमें डीएम कर सकता है। अब जो हम इसमें हैं, हम इसमें 1 कप चॉकलेट चिप डालेंगे। वैसे एक इस तरह है कि जिस शेप में ये है लुक, इसको आप 1 आवर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, और ये सेटल डाउन हो जाएगी और आप इसके बाउल बना सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमने उसको ऑयल के साथ बनाया, इसलिए हम इसको जो है अभी हम इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब अगर आप सिंपल कुकी बनाना चाहते हैं तो वो स्टोव से भी बना सकते हैं, अगर आप इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं तो ये आप पर है। मैं इसमें 1 कप चॉकलेट चिप कुकीज जो है वो मैंने इंसर्ट कर ली है, और इसके अंदर एक और चीज जो मैं ऐड करूंगी वो है चॉकलेट के चंक। ये देखिए, ये भी हम डाल देंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी और मजे की है, और प्लीज ट्राई करके तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। अगर आपने सिंपल कुकी बनानी है, आपको चॉकलेट चिप कुकी या चॉकलेट चंक ऐड नहीं करने, क्योंकि इसमें बहुत सी वेरिएशंस हैं, मैं इंशाल्लाह आगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन ये आप देखें, अब ये एक चॉकलेट लुक कितना खूबसूरत और फ्लफी का टेक्सचर आ रहा है। अब आप ये देखें, और अब हम इसको 1/2 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, और रेफ्रिजरेट करने के बाद का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। 1/2 आवर हमने इसको फ्रिज में रखा था रेफ्रिजरेट में, और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह का हो गया, क्योंकि इसके बाद सेटल डाउन होगी रेसिपी। 1/2 आवर हमने इसको रेफ्रिजरेट में रख के इसको सेटल डाउन कर लिया। अब हम इसको स्कूप आउट करेंगे, मैंने उसके लिए अपना ट्रे जो है वो रेडी कर लिया। हम आइसक्रीम स्कूप यूज कर सकते हैं या घर में जो भी आपके पास एक टेबल स्पून है आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं काइंड ऑफ देख लें कि इससे भी आप निकालेंगे तो ये आपका स्कूप आउट हो गया। आप इसको ऐसे करते हैं, अगर आपने स्कूप इससे करना है तो ये आपने एक स्कूप ले लिया, आप डिस्टेंस के साथ ही रखेंगे कि आपने इनको राइज होने के लिए भी एक स्पेस देनी है। आपने हमेशा इनको स्पेस इनके बैलेंस कर रखनी है, क्योंकि ये राइज होंगे। आप इसको आराम से अपने हाथ से जैसा आपका दिल चाहे, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट ये देखिए, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने टेबल स्पून जो है यूज करना है, ताकि एक जैसी हमने 180 के ऊपर इसको बेक करना है, ठीक है। पहले प्री हुट हीट ओवन कर दिया हमने, ठीक है। आप इसको इस तरह भी डायरेक्टली आप अपने ओवन में रख दें, ठीक है। समटाइम ये होता है कि ये अपनी जो है थोड़ी सी शेप को चेंज करते हैं और फ्लैट डाउन हो जाते हैं, समटाइम ये इसी शेप में होते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये हम इसको ओवन में रखने लगे। अब हम
इसके लिए प्री हीटेड ओवन के अंदर कुकीज को बेक करेंगे। ओवन जो है वो 180 डिग्री के ऊपर आपने पहले से प्री हीट कर लेना है और अब हम इसको 10 मिनट्स के कुकीज को हम बेक करेंगे। प्री कुकीज को शेयर कर लें, आप बहुत इजीली फिर आप एक डेकोरेट कर सकते हैं इस वे से। मुझे थोड़े से ना और मैंने कुछ ड्राई किए हैं, हम इनको यूज करेंगे। अच्छा, इस तरह हमने डेकोरेट कर लिया और अब आप इसका फाइनल डिस्प्ले जो है वो आप देख सकते हैं और इसके अंदर वेरिएशन डेकोरेशन की आप अभी भी कर सकते हैं। आप चाहें अगर आपके पास चॉकलेट गनाश है तो आप इसके ऊपर आराम से ऊपर स्कूप आउट करें और फिर आप इसका एक और मजा ले सकते हैं। और ये है फाइनल।